हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे स्टेज 5 ऑफ प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो कि बात करता है स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस की। तो जैसे ही एफआईआर लॉन्च कर दी जाती है और पुलिस ऑफिसर को लगता है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हो गया है, तो ऐसा पुलिस ऑफिसर फिर ऑकरेंस रिपोर्ट बना के मजिस्ट्रेट को भेज देता है और फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बढ़ता है। और उस समय अगर उसको लगता है कि कोई पर्सन ऐसे ऑफेंस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस की इंफॉर्मेशन रखता है, कि उसको उस ऑफेंस के बारे में कुछ असेंशियल चीजें पता है, तो ऐसा पुलिस ऑफिसर बाय ऑर्डर इन राइटिंग, एक लिखित आदेश के द्वारा, ऐसे पर्सन को अपने समक्ष हाजिर होने के आदेश दे सकता है। और यहाँ पे लिखा है कि दैट सच पर्सन शैल अटेंड एज सो रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे वर्ड शैल यूज किया गया है, इसलिए ऐसा पर्सन लीगली बाउंड हो जाता है पुलिस ऑफिसर के सामने हाजिर होने के लिए। सो अगर ऐसा पर्सन इंटेंशनली ओमिट करता है उस पुलिस ऑफिसर के सामने हाजिर होने से, तो ऐसे पर्सन को सेक्शन 174 आईपीसी के अंदर 1 month ऑफ सिंपल इम्प्रिजनमेंट की सजा मिलती है। और अगर किसी कोर्ट ने या न्यायालय ने उस पर्सन को बुलाया और ऐसा पर्सन इंटेंशनली ओमिट करता है उस कोर्ट के सामने हाजिर होने से, तो सेम सेक्शन उसे 6 months ऑफ सिंपल इम्प्रिजनमेंट की सजा देता है। फिर सेक्शन 160 का प्रोविजो ऐसे 3 कैटेगरी के पर्सन की बात करता है जिन्हें सेक्शन 160 की पावर यूज करके पुलिस ऑफिसर अपने समक्ष नहीं बुला सकता। तो पहली कैटेगरी होती है ऐसे मेल्स जो 15 ईयर्स से कम की एज के हैं और जो 65 ईयर्स से एज के ज्यादा के हैं। फिर सेकेंड कैटेगरी होती है वुमेन्स की। फिर थर्ड कैटेगरी होती है ऐसे पर्सन जो फिजिकली या मेंटली डिसेबल्ड है। सो ये तो बात हो गई पुलिस ऑफिसर के सामने उस पर्सन को बुलाने की, पर जब ऐसा पर्सन हाजिर हो जाता है पुलिस ऑफिसर के सामने, तो उसका सेक्शन 161 के अंदर होता है एग्जामिनेशन। तो क्लॉज 1 हमें बताता है कि पुलिस ऑफिसर ऐसे पर्सन का ओरली एग्जामिनेशन कर सकते हैं, और क्लॉज 2 हमें बताता है कि जो जो क्वेश्चन उस पर्सन से पूछे जाते हैं उसका ट्रुथफुली आंसर देने के लिए वो पर्सन लीगली बाउंड होता है। पर एक एक्सेप्शन ये है कि जब उस पर्सन को ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए जो उसे किसी क्रिमिनल चार्जेस की तरफ एक्सपोज करते हों, या कोई पेनालिटी की तरफ एक्सपोज करते हों, या फॉरफीचर की तरफ एक्सपोज करते हों, तो ऐसी सिचुएशन में वो पर्सन आंसर देने से मना कर सकता है और वो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए लीगली बाउंड नहीं होता है। सो सेम प्रोटेक्शन हमें आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिखता है, जो कहता है कि नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। सो मान लीजिए अक्यूज्ड को ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जो उसे क्रिमिनल चार्जेस के तरफ एक्सपोज कर रहे हैं, तो वो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर देने से मना कर सकता है। तो यहाँ पे आर्टिकल 20 में उसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दी गई है, और सेक्शन 161 क्लॉज 2 के अंदर उसे लेजिस्लेटिव प्रोटेक्शन दी गई है, एंड दोनों ही बातें सेम है। सेम चीज हेल्ड की गई थी नंदिनी सत्पति वर्सेस पीएल दानी के केस में, जिसमें कहा था कि सेक्शन 161 क्लॉज 2 में जो एरिया कवर किया गया है वो सब्सटेंशियली सेम है जो कि कवर किया गया है आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के अंदर। और एक बहुत अच्छा सेंटेंस कोर्ट ने कहा था कि सेक्शन 161 क्लॉज 2 इज द पार्लियामेंट्री ग्लास ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल क्लॉज। सो जो क्वेश्चंस सेक्शन 161 के एग्जामिनेशन में विटनेसेस से पूछे जाते हैं, अगर उन क्वेश्चंस का आंसर देने से विटनेस मना कर देता है, रिफ्यूज कर देता है, तो सेक्शन 169 ऑफ आईपीसी उसे सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर 6 months की सजा देता है। पर अगर विटनेस से ऑफेंस के कमीशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और वो उसके आंसर में कोई झूठ बोल देता है या फॉल्स इंफॉर्मेशन देता है, तो सेक्शन 177 ऑफ आईपीसी उसे 2 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट की सजा देता है। और अगर ऑफेंस से हट के कोई और सब्जेक्ट मैटर के ऊपर अगर उससे क्वेश्चन पूछा गया और वो उस चीज में फॉल्स इंफॉर्मेशन देता है, तो सेक्शन 177 उसे 6 months ऑफ इम्प्रिजनमेंट की सजा देता है। सो जब सेक्शन 161 के अंदर विटनेसेस के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं, तो सेक्शन 162 जनरल प्रोविजन बताता है कि ना तो ऐसे स्टेटमेंट्स को रिटन फॉर्म में रिड्यूस किया जा सकता है और ना तो ऐसे स्टेटमेंट्स में विटनेसेस के सिग्नेचर लिए जा सकते हैं। और जब इस केस का या इस ऑफेंस का इंक्वायरी या ट्रायल चलेगी,
तो इन स्टेटमेंट्स को किसी भी पर्पस के लिए यूज नहीं किया जा सकता, पर इसका प्रोविजो हमें तीन कंडीशंस बताएगा जिसे फुलफिल करके हम ऐसे स्टेटमेंट्स को यूज कर सकते हैं। सो पहली रिक्वायरमेंट या कंडीशन ये होनी चाहिए कि ट्रायल के दौरान उस विटनेस को प्रोसिक्यूशन के लिए बुलाया गया हो। सेकेंड कंडीशन कि जो उसने स्टेटमेंट्स दिए थे उसे रिटन फॉर्म में रिड्यूस कर लिया गया हो, और थर्ड स्टेटमेंट कि ऐसे रिटन स्टेटमेंट्स ड्यूली प्रूव्ड होने चाहिए। तो फिर अक्यूज और या तो प्रोसिक्यूशन उस स्टेटमेंट को विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट यूज कर सकता है। सो जब तीनों कंडीशंस फुलफिल कर दी जाती है तो उसे ट्रायल के दौरान यूज किया जा सकता है। सबसे पहले उसे यूज किया जा सकता है क्रॉस एग्जामिनेशन में फॉर पर्पस ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन अंडर सेक्शन 145। तो भले ही वो प्रोसिक्यूशन विटनेस का किया जाए या हॉस्टाइल विटनेस का किया जाए, दोनों ही सिचुएशन में 161 के स्टेटमेंट यूज किए जा सकते हैं। फिर अगला यूज होता है कि जब क्रॉस एग्जामिनेशन में ऐसे स्टेटमेंट्स यूज कर लिए जा चुके तो उसका री एग्जामिनेशन में यूज किया जाता है, पर सिर्फ फॉर पर्पस ऑफ एक्सप्लेनेशन, कोई अदर पर्पस के लिए री एग्जामिनेशन में ऐसे स्टेटमेंट्स यूज नहीं किए जा सकते। और लास्ट होता है कि सेक्शन 32 और सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में ऐसे स्टेटमेंट्स को एडमिसिबल बनाया जा सकता है।